नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। अरविंद केजरीवाल की बात करें, तिहाड़ जेल में बंद होने के बावजूद भी लगातार वो अपनी याचिका लगा रहे हैं। 20 और 23 अगस्त को उनकी सुनवाई होनी है। ऐसे में अभिषेक मनु सिंह भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनको जेल से बाहर निकाला जाए। ईडी के मामले में अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी सीबीआई ने अपना शिकंजा कस लिया और उसके बाद एक के बाद एक ऐसे सबूत पेश करते हुए नजर आई जिससे सुप्रीम कोर्ट को भी अरविंद केजरीवाल को नहीं छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। जी हां, आपको बता दें, 40 करोड़ का मामला जिस तरीके से गोवा विधानसभा चुनाव के बाद निकला, जिसमें अरविंद केजरीवाल की एक रिकॉर्डिंग भी है, उसमें वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि आप पैसों की चिंता मत कीजिए, चुनाव लड़िए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने भी आरोप लगाया था कि पंजाब चुनाव और गोवा चुनाव में जो शराब नीति से पैसे कमाए गए थे वो उसमें उसका इस्तेमाल किया गया था। वहीं विजय नायर को भी इसी केस में गिरफ्तार करने के बाद भी ये सारी अटकलें और भी ज्यादा तेज हो जाती है। देखना यही होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को इन सब मामलों में राहत मिलेगी, क्या दिल्ली की जनता फिर से अरविंद केजरीवाल के ऊपर भरोसा जताएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की करारी हार हुई है उससे तो ये साबित हो जाता है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए कम बैक करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जेल का जवाब वोट से तो मांगते हैं लेकिन जनता को शायद ये उनका स्लोगन पसंद नहीं आया और जिसकी वजह से उन्होंने वोट देने से इनकार कर दिया। लेकिन विधानसभा चुनाव है, अरविंद केजरीवाल ने ऐसे काम किए हैं जो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के लिए फायदेमंद रही है। क्या दिल्ली की जनता ने ठान लिया है कि सेंट्रल में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और स्टेट में अब अरविंद केजरीवाल की सरकार रहेगी। अगर इस बार के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल जीत दर्ज करते हैं तो जाहिर तौर पर एक इतिहास लिख दिया जाएगा कि जेल में रहने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत गए। अगर ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। हालांकि जब से मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए हैं, लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से पार्टी को संभाला जाए, जनता का विश्वास जीता जाए और अरविंद केजरीवाल की जो छवि धूमिल होती हुई नजर आई है वो छवि भी ना खराब हो, लगातार इसी का प्रयास कर रहे हैं। और ये भी जताने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर अरविंद केजरीवाल सीएम नहीं बनते हैं तो सुनीता केजरीवाल का नाम सीएम पद के लिए आगे किया जा सकता है और वो खुद ये बताना चाहते हैं कि वो आगे भी डिप्टी सीएम के पद पर बरकरार रहेंगे, उनको सीएम पद की कोई लालसा नहीं है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार दिल्ली के क्या समीकरण बनेंगे। आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।